वेलकम टू आवर चैनल फैंटेसी फॉर्च्यून। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पंजाब किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल मैच जो खेला जाएगा मोहाली में। क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11, क्या रहेगी स्मॉल लीग की टीम, ग्रैंड लीग की क्या टीम्स रहने वाली है, सब हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसी के थ्रू जुड़ना है। सर्च करके मत जुड़ना, क्योंकि फेक चैनल काफी सारे हमारे नाम के। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो बात करें वेन्यू की, सो मोहाली में मैच खेला जाएगा। यहां पर मोहाली में हमें क्या देखने को मिलता है कि अच्छा फास्ट बॉलिंग सरफेस है, मतलब कि जो फास्ट बॉलर्स हैं जिनके पास गति है उन्हें एक्स्ट्रा जो है बाउंस मिल सकता है यहां पे। और एक अच्छा चेजिंग ग्राउंड रहता है, क्योंकि 56 जो T20 मैचेस खेले गए हैं उसमें से 32 बार जो टीम ने चेज किया है उन्होंने मैच जीता है। और यहां पर एवरेज जो फर्स्ट इनिंग का स्कोर रहता है वो 166 का रहता है, यानी कि रन बनते हैं, बट फास्ट बॉलर जिनके पास गति है वो भी साथ के साथ अच्छा कर सकते हैं इस मैच में। अगर हम बात करें दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 की, तो यहां पर पंजाब की तरफ से शिखर धवन ओपन करेंगे। अब क्योंकि लियाम लिविंगस्टोन जो है वो पहला मैच मिस करते हुए नजर आएंगे, तो टीम जो है मैथ्यू शॉर्ट के साथ ओपन करा सकती है, या फिर प्रभ सिमरन का एक ऑप्शन रहेगा। तो यहां पर जो है मैट शॉर्ट या प्रभ सिमरन से एक ओपन करेगा, फिर भानु का राजापक्षा है, जितेश शर्मा है, शाहरुख खान, सैम कुरैन, ऋषि धवन या सिकंदर रजा, इनमें से कोई खेल सकता है। हरप्रीत बरार, यहां पर अर्शदीप सिंह, नेथन एलिस और राहुल चेहर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स, जो अपने नए कप्तान नीतीश राणा की अगुवाई में खेलने वाली है, तो उनकी तरफ से ओपन करेंगे वेंकटेश अय्यर, साथ में गुरबाज ओपन कर सकते हैं, फिर आएंगे नीतीश राणा, मनदीप सिंह है, रिंकू सिंह है, आंद्रे रसल है, सुनील नारायण, शार्दुल ठाकुर, टिम साउदी या लोकी फर्गुसन में से कोई एक खेलेगा। यहां पर है उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती आपको खेलते में नजर आ जाएंगे। अगर हम बात करें हेड टू हेड की, सो हेड टू हेड में यहां पर पंजाब ने 10 मैच जीते हैं, वहीं कोलकाता ने जो है 20 मैच जीते हैं। और ये वाले मैच में भी जो ऑन पेपर टीम नजर आ रही है वो ज्यादा स्ट्रांग जो है कोलकाता की नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहां पर पंजाब किंग्स के एनालिसिस की, सो पंजाब की जो टीम है ना यार, इस सीजन उतनी सॉलिड नजर नहीं आ रही है। सो जो बड़े प्लेयर्स हैं, यानी कि शिखर धवन, सैम कुरैन, जिन पे काफी इन्वेस्ट किया है, इन खिलाड़ी को जो है ना काफी अच्छा करना होगा, तभी टीम जो है आगे जा पाएगी। तो यहां पर जो है इतनी स्ट्रांग टीम क्योंकि नजर नहीं आ रही है, तो चांसेस हैं कि विकेट्स अच्छे खासे हर मैच में पंजाब के गिर सकते हैं। सो इसकी वजह से जो दूसरी टीम का जो बॉलिंग अटैक है ना, उनके आप मेन प्लेयर्स को जरूर लेकर चलना, ये ग्रैंड लीग के लिए आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। साथ के साथ जो है अगर हम बात करें इस टीम के जो मस्ट हैव पिक है, कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको इस मैच में पिक करने चाहिए, जो आपकी टीम में स्मॉल लीग में स्पेशली होने चाहिए, इवन ग्रैंड लीग के लिए भी काफी शानदार पिक हैं। तो नंबर वन आ जाते हैं शिखर धवन। शिखर धवन एक ऐसा खिलाड़ी है जो लंबी इनिंग्स खेलता है, और इस टीम में क्योंकि हार्ड हिटर्स ऑलरेडी काफी ज्यादा है, तो शिखर धवन के ऊपर जिम्मेदारी होगी कि बड़ी इनिंग्स खेले, चाहे स्लो खेलें बट बड़ी इनिंग्स खेलें। तो शिखर धवन एक अच्छी पिक आपके लिए बन सकती है। फिर आएंगे सैम कुरैन। सैम कुरैन यहां पर पंजाब की तरफ से बैटिंग बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि चांसेस हैं सैम कुरैन की बैटिंग आपको आती हुई नजर आएगी, प्लस अपने 4 ओवर तो पूरे करेंगे ही, तो मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छी पिक आपके लिए बन जाएगी। तीसरी पिक जो है वो है अर्शदीप। अर्शदीप जो है इंडिया की तरफ से अब इंटरनेशनल में उतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, तो आईपीएल एक अच्छा इनके लिए प्लेटफॉर्म होगा जहां पर अच्छा कर सकते हैं। सो ये तीन प्लेयर जो मेरे हिसाब से एक मस्ट पिक बन जाते हैं पंजाब की तरफ से। अगर हम बात करें गुड पिक्स की, यानी कि जो एक अच्छी पिक्स है वो है नेथन एलिस। नेथन एलिस बॉलिंग फर्स्ट करते हुए डेथ में बॉलिंग करते हैं और एक आपके लिए अच्छी पिक बनते हैं, तो अगर बॉलिंग फर्स्ट आती है पंजाब की तो नेथन एलिस अच्छा कर सकते हैं। और राहुल चार काफी अच्छे प्लेयर हैं, लेग स्पिन करते हैं, तो विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामने की टीम में लेफ्टी बैट्समैन ज्यादा हैं। इवन दो दोपहर का मैच है तो ड्यू फैक्टर होगा नहीं, स्पिनर्स भी गेम में आ सकते हैं, बट स्टिल राहुल चार जो है डिसेंट पिक है, ट्राइबल ऑप्शन रहेंगे। अब इस टीम से जो है गेम चेंजर पिक कौन है, ऐसे खिलाड़ी जिनको अगर आप लेते हैं तो आप जो है स्मॉल लीग हो या ग्रैंड लीग हो काफी अच्छा जो है विन कर सकते हैं, तो उसमें नंबर वन पिक आती है सिकंदर रजा या फिर मैथ्यू शॉर्ट। दोनों ही खिलाड़ी, स्पेशली मैथ्यू शॉर्ट, ओपन भी करते हैं और ऑफ स्पिन करते हैं। सामने की टीम में काफी ज्यादा लेफ्टी बैट्समैन है, सो ऑफ स्पिनर का यूज होगा। सो ये दोनों जो भी खेलता है आपके लिए गेम चेंजर पिक बन सकता है। फिर आएंगे यहां पर जो है राजापक्षा जो है पंजाब के लिए जब खेलते हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, वन डाउन बैटिंग करते हैं, और यहां पर इस सरफेस पे ही अच्छा कर सकते हैं, सिलेक्शन कम होगा, खेलते हुए नजर आएंगे, तो आप इन्हें ट्राई कर सकते हो। एक और खिलाड़ी जिसके ऊपर तो ग्रैंड लीग में भी लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो है जितेश शर्मा। विकेट कीपिंग करेंगे, सेकंड डाउन थर्ड डाउन तक बैटिंग करेंगे, और ये खिलाड़ी बढ़िया शॉट्स लगाता है, बढ़िया चौके छक्के लगाता है, तो इस खिलाड़ी का ध्यान रखना, स्पेशली ग्रैंड लीग में काफी अच्छा विन करवा सकता है आपको। अगर हम बात करें अब केकेआर टीम की, सो केकेआर टीम की अगर हम बात करें तो यहां पर जो है ना स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, काफी अच्छे स्पिनर्स हैं, काफी अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, तो काफी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप, लेकिन जो है ना
अब बैटिंग लाइनअप जो है स्लाइटली जो है वीक नजर आ रहा है, ऑन पेपर उतना अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहां पर जो है, और केकेआर के अगेंस्ट में ना लेफ्टी बैट, केकेआर में लेफ्टी बैट्समैन काफी है, तो जब भी केकेआर का मैच होगा तो सामने की टीम में अगर ऑफ स्पिनर आपको देखने को मिल जाए तो उन्हें आप अपनी टीम में जरूर प्रेफरेंस जो है वो दे सकते हैं। अगर हम इस टीम की मस्ट हैव पिक्स बात करें तो आंद्रे रसल नंबर वन पिक बनेगी। रीजन क्या है, क्योंकि बैटिंग उतनी स्ट्रांग नजर नहीं आ रही है, तो रसल के बैटिंग आने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, प्लस उनका बॉलिंग तो है ही, तो एक आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। सेम है सुनील नारायण, सुनील नारायण अगर ओपन कर जाए तो भाई फिर तो यार बेस्ट पिक बनती है, स्मॉल लीग हो ग्रैंड लीग हो कैप्टन वाइस कैप्टन की भी शानदार चॉइस रहती है। बट इवन दो सुनील नारायण इस टीम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा से रहे हैं, तो एक इंपॉर्टेंट और मस्ट हैव पिक यहां पे बनती है। फिर आएंगे नितिश राणा, इस सीजन कैप्टन बनाया गया है, लगातार काफी सीजन से कोलकाता के लिए अच्छा कर रहे हैं और इस सीजन जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं, तो नितिश राणा भी एक मस्ट हैव पिक इस टीम से बन जाते हैं। अगर हम बात करें गुड प्लेयर्स की, ऐसे प्लेयर जो अच्छा कर सकते हैं, वो है वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर जो है डिसेंट प्लेयर है, ओपनिंग पे आके जो है थोड़े इनकंसिस्टेंट है और बॉलिंग जो है शायद उतनी ना करें, जरूरत पड़ती है तो करेंगे, तो यहां पर एक डिसेंट पिक है जिनको आप स्मॉल लीग में कंसीडर कर सकते हैं। फिर आएंगे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर के पास ये कला है कि वो एक मैच एक ओवर में जो है दो तीन विकेट निकालने की क्षमता रखते हैं, तो बॉलिंग फर्स्ट करते हुए शार्दुल ठाकुर एक गेम चेंजर पिक आपके लिए बन सकती है। साथ है वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को ग्रैंड लीग में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में थोड़ा रिस्की रहेंगे। रीजन है कि एक टाइम नाम होने लगा था वरुण चक्रवर्ती का, बट फिर धीरे धीरे जो है इस टाइम खो से गए हैं, सिलेक्शन बहुत कम है। इनके जो प्लस पॉइंट रहेगा वो ये है, कोलकाता इन्हें ओवर बहुत अच्छे से यूज करता है, इन्हें हमेशा चार ओवर करवाता है और अच्छी जगह पर यूज करता है, तो ये अच्छा कर सकते हैं, सिलेक्शन बहुत कम है, ग्रैंड लीग के लिए आपकी अच्छी चॉइस बन जाएंगे। दो खिलाड़ी जो गेम चेंजर पिक है इस टीम से, उमेश यादव। उमेश यादव का इस सीजन अच्छा जा सकता है, उमेश यादव के पास गति है और मोहाली के विकेट में अच्छा कर सकते हैं। दूसरा खिलाड़ी यहां पर टिम साउदी या लोकी फर्गुसन, जो भी खिलाड़ी खेलता है ये काफी अच्छा हमें करके दे सकता है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, दोनों प्लेयर आपके लिए काफी अच्छी चॉइस जो है वो बन सकते हैं। अब आईपीएल कल से स्टार्ट हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है 1 करोड़ का लीडर बोर्ड, कहां पर, विजन 11 ऐप पे। सो अगर आपके पास विजन 11 ऐप नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, सबसे कम एंट्री फीस है, डेली फ्री गिव अवे है, चेन्नई की जो है ब्रांड एंबेसडर है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉर्च्यून रेफर कोड है FORTUNE, उसके थ्रू डाउनलोड कर लेना, बोनस बेनिफिट भी आपको मिल जाएंगे। अगर हम बात करें लीडर बोर्ड में करना क्या है, तो इस बार क्या चीज है कि स्मॉल लीग हो चाहे ग्रैंड लीग हो, जो भी आप पेड कॉन्टेस्ट खेलते हैं उसके पॉइंट्स काउंट होंगे। सपोज आपने एक टीम ज्वाइन करी, चाहे वो स्मॉल लीग में हो चाहे वो ग्रैंड लीग में हो, तो उस टीम के पॉइंट काउंट होंगे। सपोज आपने 5 टीम 10 टीम या 20 टीम से ज्वाइन किया है, तो जो भी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट देगी, मतलब अगर आपकी टीम नंबर 20 टीम लगाई आपने और टीम नंबर जो 5 है उसने जो है मैक्सिमम 700 पॉइंट्स दिए, तो आपके 700 पॉइंट्स जो है वो काउंट होंगे। तो आप इसी तरीके से जो है लीडर बोर्ड में एंड में जो टूर्नामेंट जब खत्म होगा, सो जो फर्स्ट आएगा उसे टाटा हैरियर 25 लाख रुपए मिलेंगे, काफी अच्छे प्राइज हैं। लास्ट ईयर मैंने बुलेट जीती, तो देखते हैं इस सीजन कैसा जाता है, तो उम्मीद अच्छा ही जाएगा। तो अगर आपका विजन 11 ऐप नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फॉर्च्यून रेफर कोड यूज कर लेना, 500 रुपए का साइन अप बोनस भी मिल जाएगा। अब चलिए क्रिएट करते हैं अपनी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स। तो यहां अगर हम बात करें विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो विकेट कीपिंग सेक्शन में हमारे पास जो है ऑप्शंस हैं, राजापक्षा ऑप्शन है, गुरबाज ऑप्शन है और जितेश शर्मा ऑप्शन है। अभी के लिए मैंने क्या किया, अभी के लिए मैंने जो है गुरबाज को अपनी टीम में रखा है, लेकिन जो है ये चेंज कर सकते हैं। राजापक्षा भी एक अच्छी पिक है बट वो विकेट कीपिंग नहीं करेंगे, और जितेश शर्मा ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना क्योंकि प्लेयर बहुत शानदार है, बट अभी के लिए मैंने गुरबाज को रखा है। बैटिंग सेक्शन में जो दो प्लेयर मेरे लिए मस्ट हैव रहेंगे वो हैं शिखर धवन और यहां पर नितिश राणा। यहां पर मैंने वेंकटेश अय्यर को भी लिए अपनी टीम में रखा है, आप चाहें तो इनकी जगह एक एक्स्ट्रा बॉलर भी लेकर जा सकते हैं ड्रीम इलेवन पे। फिर आएंगे यहां पर रिंकू सिंह है, ग्रैंड लीग में ट्राई करना है क्योंकि ये खिलाड़ी है जो अच्छा करेगा, लेकिन क्योंकि बैटिंग नीचे करता है तो एक रिस्क फैक्टर इनके साथ जरूर रहता है। फिर आएंगे यहां पर शाहरुख खान है, मनदीप सिंह है, इनको आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, रसल, सैम कुरैन, सुनील नारायण, तीनों को मैंने अपनी टीम में लिया है। यहां पर जो है लियाम लिविंगस्टोन पहला मैच खेलेंगे नहीं, तो सिकंदर रजा, मैथ्यू शॉर्ट, जो भी प्लेयर आपको खेलता हुआ दिखे उनको हम अपनी टीम में लेंगे। अभी के लिए मैंने मैथ्यू शॉर्ट को अपनी टीम में रखा हुआ है। बॉलिंग सेक्शन में बात करते हैं, सो अर्शदीप को मैंने लिया है, यहां पर जो है मैंने उमेश यादव को लिया। अगर पहले आती है पंजाब की बॉलिंग तो मैंने नेथन एलिस को लूंगा, अदरवाइज जो है केकेआर का बॉलर की तरफ जाऊंगा। सो अभी के लिए मैंने शार्दुल ठाकुर को लिया है, लेकिन अगर जो है यहां पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे लोकी फर्गुसन तो हम उनको अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। और जो इस मैच के जो स्पिनर्स हैं, राहुल चाहर, चक्रवर्ती, ब्रारी, अच्छे खिलाड़ी हैं और अच्छा कर सकते हैं आफ्टरनून मैच में, तो इनको आप ग्रैंड लीग में रोटेट कर सकते हैं अपनी टीम में। सो हमारी टीम जो है स्मॉल लीग की ये बन जाती है। बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, सो कैप्टन जो है मैंने सैम कुरैन को कैप्टन किया है।
वाइस कैप्टन जो है मैंने आंद्रे रसल को किया, आप रिवर्स भी कर सकते हैं, सुनील नारायण और यहां पर मैथ्यू शॉर्ट और शिखर धवन भी अच्छी चॉइस बन जाते हैं। अगर हम बात करें ग्रैंड लीग टीम्स की, सो दो टीम्स मैंने क्रिएट करी हैं। टीम नंबर वन में हमने क्या किया है कि सैम कुरेन को कैप्टन किया है, वाइस कैप्टन किया है मैथ्यू शॉर्ट को। टीम टू की अगर हम करते हैं, सो टीम टू में हमने क्या किया, यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया क्योंकि तीनों स्पिनर्स जो काफी अच्छा करने की क्षमता रखते हैं लेकिन सिलेक्शन बहुत कम है, तीनों को एक टीम में ट्राई किया है। राहुल चहर हो गए, वरुण चक्रवर्ती हो गए, हरप्रीत बरार हो गए और कैप्टन भी स्पिनर को रखा है जो है सुनील नारायण, वाइस कैप्टन ने नितेश राणा को रखा है। तो इसी तरीके से आप मल्टीपल टीम्स क्रिएट कर सकते हैं और किसी एक प्लेयर को भी मल्टीपल टीम्स में कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई है सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बेस्ट चॉइस कैप्टन कौन होने वाला है। साथ के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट गाइस।